हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे धमाकेदार न्यू वीडियो में। गाइस, आज के स्टूडियो में मैं एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मॉडलिंग छोड़कर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी थी और अपने पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के परीक्षा पास की। जी हाँ गाइस, उनका नाम है ऐश्वर्या सिरोन। साल 2015 में मिस दिल्ली का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह अगले ही साल 2016 में फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। राजस्थान के चोरू जिले की रहने वाली ऐश्वर्या ने ये मुकाम बिना किसी कोचिंग की मदद के ही हासिल किया है। ऐश्वर्या ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी महज 10 महीने के भीतर ही कर ली थी। इसके लिए उन्होंने घर पर रहकर ही तैयारी की थी। बता दें कि ऐश्वर्या यूपीएससी की तैयारी से पहले मॉडलिंग किया करती थी। उनका मॉडलिंग करियर भी काफी अच्छा चल रहा था और वह साल 2014 में दिल्ली की क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस चुनी गई थी। इसके बाद उन्होंने इसी प्रकार मॉडलिंग में कई बेहतरीन मुकाम हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। उन्होंने साल 2018 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की और महज 10 महीने के तैयारी में ही परीक्षा पास कर सफलता हासिल कर ली। बता दूं कि ऐश्वर्या का परिवार शुरू से दिल्ली में रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के चाणक्यपुरी के संस्कृत स्कूल से की थी। उन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 97.5% अंक हासिल कर टॉप किया था। 12वीं करने के बाद उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद ऐश्वर्या ने साल 2018 में कैट का एग्जाम भी दिया था और उनका IIM इंदौर में सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उनका पूरा फोकस सिविल सेवा की परीक्षा पे था, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने पहले प्रयास में ही ऑल इंडिया 93वीं रैंक हासिल कर IAS अफसर बनने में सफल हुई। वैसे गाइस, आपका क्या कहना है IAS ऑफिसर ऐश्वर्या सिरोन के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना मेरे यार, तभी तो मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।